दोस्तों, आपने बड़े तो बहुत प्रकार के सुने होंगे, जैसे दही बड़ा, कांजी बड़ा, लेकिन आज हम आपको आज खिलाने वाले हैं मधुबन बड़ा, जो कि मिलता है बुलंदशहर के अंदर और ये फेमस है बुलंदशहर और हापुड़ में। तो चलिए दिखाते हैं आपको और बात करते हैं भैया से कि कैसे ये बनाते हैं, किस चीज़ का बनाते हैं, क्या इनके प्राइस और हैं, चार तरह के क्या इसमें क्या नमक भी पड़े हुए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये दो जगह मिलता है असली, मोस्टली ये मिलता है तो बुलंदशहर में या फिर मिलता है हापुड़ में, और अगर कहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो इसमें क्या क्या आइटम डालते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत लजीज होता है, बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें काजू, बादाम, अनार, दही और बहुत सारे नमक का प्रयोग इसमें किया जाता है। बहुत सिंपल सी, बहुत टेस्टी सी डिश है। तो ये देख सकते हैं आप, ये भैया बना चुके हैं मधुबन वड़ा, हम इनसे अभी बात भी करेंगे। तो अभी इसमें डाल रहे हैं काजू और ये सेब वगैरह इसमें डाल के बहुत अच्छी तरीके से बना के देते हैं। क्या इसकी कीमत है ये भी आपको भैया ही बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं भैया से, क्या क्या डालते हो उसमें? इसमें मूंग की दाल का बड़ा होता है। अच्छा, और दही होती है। अच्छा, इसमें हाफ क्रीम मिक्स होती है। हाफ क्रीम। अच्छा, अनार का रस होगा उसमें। अच्छा अच्छा, ये दही है, ये आप देख रहे हैं। हाँ, अनार भी पड़े हुए हैं इसके अंदर। ये नमक है। अच्छा, ये चार तरह के नमक है इसमें। चार तरह के। अच्छा, ये गरम मसाला है, जीरा जिसमें ज़्यादा मिक्स है। हाँ, ये सेव है। ये है बीजी, बाल बीजी। बीजी, अच्छा, बाल बीजी बोलते हैं। बेसन की। अच्छा, बेसन की है, बाल बीजी। अच्छा, तो भैया अपनी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मेरी 3 से 4 का टाइम आने का है। अच्छा, रात को 10 बजे। डेली लगाते हो? मतलब कोई भी कभी भी आकर खा सकता है। एड्रेस? एड्रेस पुरानी जेल टैक्सी स्टैंड। हाँ, नियर अंसाई रोड। अच्छा, तो भैया ये कितने रुपए का बताया था आपने? 50 रुपए का। 50 रुपए का मधुबन पड़ा है। इसमें बहुत सारी मेवा पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं। इसके साथ इसमें अंदर मूंग की दाल का बड़ा है और ये बीजी है, बीजी बता रहे हैं भैया। भैया नाम क्या है आपका? प्रदीप कुमार नाम है इनका भैया का। यहाँ पर आके आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं और बिल्कुल फुल ऑफ क्रीम और दही है ये, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। खा के देख लूँ मैं थोड़ा सा? बेहतरीन, मैं पहले भी खा के जा चुका हूँ सर, बहुत बढ़िया है। बहुत सारी मेवा पड़ी हुई हैं और ठंडा ठंडा, तो आपको खाना हो तो पुरानी जिल के पास आके आप भैया का मधुबन वाला ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मधुबन बड़ा? अगर आपने कभी खाया हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। खाते रहें, पीते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे साथ। जल्द ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।